ओल्ड एज पेंशन को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बड़ा बयान। ओल्ड एज पेंशन लेने वाले मुश्किलों का सामना कर रहे थे कि उन्हें पेंशन क्यों नहीं मिल पा रही है, लेकिन बता दें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये कह दिया है कि ओल्ड एज पेंशन वालों को, विडोज वालों को और दिव्यांग जितने भी भाई बहन हैं उनको पेंशन जो है वो जल्द से जल्द दी जाए। और आप लोगों को पेंशन क्यों नहीं मिल रही थी इसके बारे में भी उन्होंने बताया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में ये बताया कि बहुत से लोगों को पिछले काफ़ी देर से जो है वो पेंशन नहीं मिल रही है। और वो क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि जो पेंशन ले रहे हैं उनके बीच में वो लोग भी शामिल हो चुके थे जो एलिजिबल नहीं है, पर वो लोग भी पेंशन ले रहे थे। इसीलिए आप सब लोगों के रिकॉर्ड्स जो है वो चेक किए जा रहे थे, ये सारी चीज़ें और डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे थे कि ऐसे कौन लोग हैं जो एलिजिबल नहीं है और वो फिर भी जो है पेंशन ले रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि हमने वेरीफाई कर लिया है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो पेंशन नहीं ले सकते थे, यानी एलिजिबल नहीं थे, वो क्राइटेरिया के अंदर फिट नहीं आते थे, फिर भी वो झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाकर जो है वो पेंशन ले रहे थे और घुसपैठिए जो है वो आप लोगों के बीच में छिपे हुए थे, इसीलिए आप लोगों को पेंशन लेने में दिक्कतें आ रही थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में बताया कि अब हमने उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया है कि जो पेंशन नहीं ले सकते थे बट वो लोग जो है वो पेंशन ले रहे थे। अब आपको ये बता दें कि उन्होंने ये कहा कि उन लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी क्योंकि उन लोगों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और जो लोग एलिजिबल हैं उन लोगों को जो है वो पेंशन दी जाएगी। अब मैं आपको बता दूँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि जल्द से जल्द आप विडोज़ को, जल्द से जल्द दिव्यांग भाई बहनों को, जल्द से जल्द जो बुज़ुर्ग हैं उन लोगों को जो है वो पेंशन दीजिए ताकि वो इज्जत की ज़िंदगी जी सके, ताकि वो एक स्टेबल ज़िंदगी जो है वो जी सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि यहाँ पर दिव्यांग पेंशन, ओल्ड एज पेंशन और विडो पेंशन जो है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। और पिछले वर्ष से कोशिश लगातार जारी है कि जम्मू कश्मीर में जो प्रशासन है वो यहाँ पर जो है सबको पेंशन दे। उन्होंने कहा कि अभी इसी साल जो है इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जो पुरानी व्यवस्था थी उसमें ज़रा सा जो है वो तब्दीली लाई गई है और ये जो ज़िला था उनके पास पूरा डाटा होता था। अब ये तब्दीली लाने का कारण ये था कि जो बीच में घुसपैठिए हैं, जो एलिजिबल नहीं है, वो पेंशन ले रहे हैं, उन्हें पेंशन लेने से जो है वो रोका जाए। आपको बता दें कि उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा कि जो व्यवस्था है बुज़ुर्गों को पेंशन देने की उसे पुरानी व्यवस्था को समाप्त इसीलिए किया है, नई व्यवस्था इसीलिए लाई है ताकि आप लोगों को फ़ायदा मिल सके। और उन्होंने ये भी कहा कि जो बुज़ुर्ग हैं, जो विडो हैं हमारी, और जिसके साथ अगर हम बात करते हैं दिव्यांगजन है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही वो अच्छी पेंशन ले रहे हैं, अगर आप बाहरी राज्यों का रुख करें तो इतनी अच्छी पेंशन जो है वो उन्हें नहीं मिलती। उन्होंने ये भी बताया कि 18 साल की अगर कोई विधवा हो, सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर ऐसी यूटी है जिसमें 18 साल की विधवा को पेंशन दी जाती है, बाकी आप किसी भी राज्य में जाइए, किसी भी जो है वो यूटी में चले जाइए, किसी को भी जो है वो पेंशन नहीं दी जाती है जब तक उसकी उम्र जो है 45 साल ना हो जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में अलग क्राइटेरिया है और बाकी राज्यों में जो है अलग क्राइटेरिया है। यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि आप लोग पेंशन को सैलरी से जोड़ते हैं, पेंशन को सैलरी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, पेंशन आपकी मदद कर रही है, पेंशन आपको स्टेबल बना रही है और पेंशन आपको समाज में सपोर्ट सिस्टम दे रही है ताकि आप सर उठाकर जी पाएं। मैं आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने ये भी कहा कि आगे चलते हुए हमने एक फैसला लिया है कि जिससे सब लोगों की मदद हो सके और श्रीनगर के DC और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने 100% काम किया है एलिजिबल लोगों को पेंशन देने का। और सितंबर तक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पता कर लिया है कि सबको पेंशन मिल चुकी है श्रीनगर में, जो डाटा उनके पास है। अब आपको मैं आगे चलते हुए ये बता दूं कि यहाँ पर जिस तरह से पेंशन दी जाती है, आपको ये भी बता दें कि उन्होंने ये कहा कि 2001 से 2016 तक जो सोशल इंटीग्रेटेड स्कीम की पेंशन है वो 100 रुपया मिलती थी, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई 2016 में उसे जो है वो 200 गुना कर दिया गया और जब अभी 2022 से 23 में आप लोग पहुंचे हैं ये 5000 है, लेकिन 2016 के बाद इसे 1000 कर दिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा ये सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ही कर सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग मुझसे मिले, उन्होंने कहा कि हम बीमार रहते हैं, हमारा दवाइयों का खर्च बहुत ज़्यादा है, ज़रा पेंशन बढ़ा दीजिए। तो उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने गोल्डन कार्ड लेकर आए हैं, यानी 5 लाख तक की मुफ्त दवाई अगर आपके घर पर एक भी इंसान के पास गोल्डन कार्ड है, अगर एक परिवार में एक गोल्डन कार्ड है तो 5 लाख तक की मुफ्त दवाई और 5 लाख तक का मुफ्त इलाज जो है वो हो सकता है। और उन्होंने मेडिकल डिपार्टमेंट से पता किया कि 93 से 94% लोगों ने गोल्डन कार्ड बना लिए हैं,
श्रीनगर में उन्होंने डीसी जो थे उनके साथ साथ बैठकर जो है वो गोल्डन कार्ड भी बांटे हैं लोगों को, और उन्होंने ये भी बताया कि जो लोग रह गए हैं गोल्डन कार्ड बनाने से, इसमें उन लोगों की लापरवाही है, वो भी बनाए और मुफ्त इलाज का, मुफ्त ऑपरेशन का फ़ायदा उठाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है जिन लोगों को अभी तक पेंशन नहीं मिली, बहुत जल्द उन्हें पेंशन मिलेगी। तीन ही इसमें लोग आते हैं, एक है दिव्यांगजन जो भाई बहन है, एक है विडोज़ हैं, और तीसरे हैं ओल्ड एज वाले लोग जिन्हें पेंशन का फ़ायदा मिलेगा।